महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार है, लेकिन राज्य में गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। गठबंधन में शामिल तीनों दलों में पाला बदलने का खेल चल रहा है। हाल ही में शिवसेना के कई पार्षद पार्टी छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए। दरअसल अहमदनगर के पारनेर नगर पंचायत में जहां गठबंधन की सरकार बनने से पहले शिवसेना एनसीपी ने मिलकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब अगले चुनाव से पहले शिवसेना के 5 पार्षदों ने एनसीपी में प्रवेश किया है। इनके अलावा शिवसेना के कुछ पदाधिकारियों ने भी एनसीपी का दामन थामा है। इन सभी का कहना है कि पारनेर के नगर अध्यक्ष से नाराज होकर उन्होंने शिवसेना छोड़ एनसीपी में जाने का फैसला किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि एनसीपी नगर चुनाव से पहले पारनेर में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, इसीलिए अपने मित्र पक्षों पार्षदों को अपने साथ जोड़ने के लिए भी राजी हुई। यानी शिवसेना की ताकत कम कर अपनी ताकत बढ़ाने को एनसीपी गठबंधन धर्म के खिलाफ काम करना नहीं मानती। एनसीपी नेताओं का कहना है कि हर पार्टी को अपनी ताकत बढ़ाने का अधिकार है। हम सरकार में साथ हैं, लेकिन पार्टी तो अलग अलग है। राज्य में 3 दलों के एक साथ आने और सत्ता चलाने के बाद सवाल ये था कि क्या ये सभी शुरू से ही जमीनी स्तर पर एकजुट होंगे। इसका जवाब अब कई जगहों से मिल रहा है। राज्य में 3 पार्टियों के गठबंधन की सरकार है। तीनों पार्टियों का सत्ता के लिए मिलन तो हो गया, लेकिन क्या तीनों पार्टियों के विचारधारा का मिलन हो सका है? इससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर सरकार में अपनी हिस्सेदारी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। कांग्रेस के एक मंत्री ने तो शरद पवार पर भी निशाना साधा। अब एनसीपी पार्टी बढ़ाने के नाम पर शिवसेना को तोड़ रही है। इससे साफ दिखता है कि गठबंधन की ठाकरे सरकार में सब कुछ ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।